कैलिफोर्निया में कई घरों में लगी आग। भीषण आग के बीच कुछ लोग घरों में फंसे हैं, कई लोगों को रेस्क्यू किया गया। कैलिफोर्निया में घरों में लगी हुई आग के बाद कई लोग लापता भी, आग लगने की वजह का खुलासा नहीं। होंडुरास के कैरेबियन रिसोर्ट पर लगी भीषण आग, आग की लपटों में पूरा रिसोर्ट जलकर खाक हुआ। कैरेबियन रिसोर्ट पर लगी आग में 200 से ज्यादा घर तबाह हुए। होंडुरन वायुसेना ने आग को कंट्रोल किया। अमेरिका में अबॉर्शन के अधिकार के समर्थन में हजारों लोगों ने मार्च निकाला। हजारों प्रदर्शनकारियों ने मेरा शरीर मेरी पसंद के नारे लगाते हुए जयकारे लगाए। चिली में प्रवास के विरोध में लोगों ने प्रदर्शन किया है। पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। कम से कम एक प्रदर्शनकारी हिरासत में। मुंबई में हाई प्रोफाइल ड्रग्स पार्टी पर एनसीबी की रेड। कार्डेलिया क्रूज पर हो रही थी पार्टी। 10 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया। भारी मात्रा में कोकीन, हसीस और एमडी जब्त। एनसीबी को कार्डेलिया द इंप्रेस क्रूज में ड्रग्स पार्टी का मिला सीक्रेट इनपुट। क्रूज पार्टी के पीछे दिल्ली बेस्ड कंपनी का हाथ होने का शक। सूत्रों के मुताबिक करीब 80,000 रुपए की थी एंट्री फीस। सूत्रों के मुताबिक क्रूज पार्टी में कई बड़े अभिनेताओं के बच्चे भी शामिल। एनसीबी कर रही है पूछताछ। ड्रग्स केस में गिरफ्तारी पर बोले एनसीबी डायरेक्टर समीर वानखेड़े, अभी कुछ भी कहना प्री मेच्योर होगा। 8 लोगों से पूछताछ करी एनसीबी। एलएसी पर ड्रैगन की बढ़ती हुई साजिश से फिर से तनाव बढ़ने की आशंका। S-400 मिसाइलों की चीन ने तैनाती की है। चीनी सेना लगातार अक्साई चिन इलाके में रात के वक्त हमले का अभ्यास भी कर रही है। गलवान में हिंसा दोहराने की साजिश, ड्रैगन रच रहा है। चीन को जवाब देने के लिए कड़कड़ाती ठंड में भी डटे रहेंगे 2,00,000 भारतीय जाबाज। एलएसी पर चीन के अतिक्रमण जारी रखने की वजह से भारतीय फौज नहीं लेना चाहती कोई खतरा। भारत और चीन के बीच एलएसी पर शांति को लेकर इस महीने 13वें दौर की बैठक होनी है। तनाव खत्म करने के लिए एक-एक कर भारत उठाएगा 18 पॉइंट कपला। भारत चीन के बीच अगली वार्ता में कोंगराला के पास हॉट स्प्रिंग, देमचौक और देपसांग में गश्त के अधिकारों को बहाल करने का मुद्दा होगा। हर हाल में एलएसी पर शांति चाहता है हिंदुस्तान। एलएसी पर तनाव के मद्देनजर करीब 2,00,000 भारतीय फौज की तैनाती। चीन की उकसाने वाली कार्रवाई से किसी भी वक्त खूनी संघर्ष में बदले जाने का डर बरकरार। आज से पाकिस्तान के नौशेरा में शुरू हो रहा है एंटी टेरर एक्सरसाइज। शंघाई सहयोगी संगठन के सदस्य देशों के आतंकवाद निरोधी अभ्यास में भारत भी हिस्सा लेगा। पाकिस्तान के पब्बी में होने वाले एससीओ देशों के एंटी टेरर एक्सरसाइज में भारत की भागीदारी भी रहेगी। भारत के अलावा एक्सरसाइज में चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और पाकिस्तान भी शामिल। बंगाल की हाई प्रोफाइल भवानीपुर सीट के परिणाम पर टिकी आज उस सबकी निगाहें। टीएमसी का दावा, ममता को 50,000 वोटों से मिलेगी जीत। बंगाल में सीएम रहेंगी ममता बनर्जी या देंगी इस्तीफा, आज फैसला। बीजेपी के प्रत्याशी प्रियंका टिब्रीवाल से चुनौती। ओडिशा में पिपली विधानसभा सीट पर भी आज फैसला। बीजेडी विधायक प्रदीप महारथी के निधन के बाद खाली हुई थी सीट। बीजेडी के उम्मीदवार रुद्र प्रताप महारथी और बीजेपी के उम्मीदवार आश्रित पटनायक के बीच मुकाबला। गुजरात में सीएम भूपेंद्र पटेल की पहली परीक्षा आज। जीएमसी के 11 वार्डों में 44 पार्षदों का चुनाव करने के लिए मतदान। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में त्रिकोणीय मुकाबला। 2 दिन के दौरे पर लक्षद्वीप पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। एयरपोर्ट पर केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल ने की अगवानी। आईटीबीपी के जवानों ने सलामी। आज सीएम योगी गोरखपुर के खानिमपुर में सीएनजी सिटी गैस स्टेशन का करेंगे लोकार्पण। यूपी के 1,78,000 से ज्यादा घरों को मिलेगी सस्ती रसोई गैस। लद्दाख की धरती से आर्मी चीफ नरवणे का दुश्मन को संदेश, बोले चीन की हर हरकत पर हमारी नजर। नियंत्रण में एलएसी पर हालात। भारत और अमेरिका के डिफेंस सेक्टर आपस में खुफिया और अन्य क्लासिफाइड जानकारियां साझा करेंगे। जल्दी भारत अमेरिका औद्योगिक सुरक्षा संयुक्त कार्यबल भी तैयार होगा। मासूम बच्चों का खून बहाने वाले दोस्ती पर घिरे इमरान खान, तो बोला पाकिस्तान अच्छे बुरे तालिबान में फर्क होता है। 2014 में पाकिस्तान के पेशावर में आर्मी स्कूल के 134 मासूम बच्चों सहित 150 से अधिक लोगों की जान गई थी। तहरीके तालिबान ने इस वारदात को अंजाम दिया था, उसी से दोस्ती गांठने की कोशिश में इमरान खान। मुस्लिम वर्ल्ड में छिड़ने वाला इस संग्राम, ईरान और अजरबैजान के बीच गहरा रहा तनाव। पाकिस्तान अजरबैजान ने साथ मिलकर ईरान की सीमा से थोड़ी दूरी पर साझा सैन्य अभ्यास शुरू किया। पाकिस्तान में तहरीके तालिबान ने 1 जुलाई से अब तक किए 55 आत्मघाती हमले। पाक आर्मी के 100 से ज्यादा सैनिक मार डाले, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पीस स्टडीज का खुलासा।
चीन में बिजली संकट से वैश्विक अर्थव्यवस्था के डगमगाने की आशंका, औद्योगिक गतिविधियां 44% तक प्रभावित, दर्जनों अमेरिकी कंपनीज का भी बुरा हाल। कैप्टन अमरिंदर की हरीश रावत और सुरजेवाला को खरी खरी, बोले पूरी कांग्रेस सिद्धू की कॉमेडी में रंग गई है, विधायकों को डराकर मेरे खिलाफ साइन कराए। कांग्रेस में सियासी घमासान के बीच सीएम अशोक गहलोत का बयान, बोले अगली बार भी राजस्थान का बनूंगा सीएम, पूरे 5 साल चलेगी सरकार और रिपीट होगी। पंजाब में जारी कलह के बीच नवजोत सिद्धू के तेवर पड़े नरम, कहा पद रहे या ना रहे राहुल प्रियंका के साथ हूं, नकारात्मक ताकतें मुझे हराने की करती रहे कोशिश। कांग्रेस नेतृत्व पर बोले सलमान खुर्शीद, पार्टी नेतृत्व से सब संतुष्ट, पार्टी हमारे लिए मां के समान, राहुल गांधी को फिर से बनाया जाए अध्यक्ष। टीएस सिंहदेव से तनातनी के चलते सीएम भूपेश बघेल भी आए सेल्फ डिफेंस मोड में, बोले छत्तीसगढ़ कभी पंजाब नहीं बन सकता। छत्तीसगढ़ में भी शुरू हुई दबाव की राजनीति, बघेल के समर्थक 25 MLA दिल्ली में मौजूद, जबकि विधायकों की संख्या 35 पहुंच सकती है। छत्तीसगढ़ में सियासी घमासान के बीच आज सीएम बघेल स्वस्थ भारत के कार्यक्रम में करेंगे शिरकत, ऑक्सीजन प्लांट का भी उद्घाटन करेंगे। सीएम बघेल को यूपी का सीनियर पर्यवेक्षक बनाए जाने पर बीजेपी का पलटवार, कहा एटीएम के रूप में किसी राज्य का उपयोग हो रहा है तो वो छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस संगठन में बड़ा फेरबदल, निगम मंडलों में जगह पा चुके 8 नेताओं की प्रदेश कांग्रेस समिति से छुट्टी, 4 जिलों के अध्यक्ष भी बदले गए। मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, पूर्व विधायक सुलोचना रावत और विशाल रावत ने थामा बीजेपी का दामन, कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने पर थी नाराज। चीन ने ताइवान में की अब तक की सबसे बड़ी घुसपैठ, डिफेंस जोन में भेजे 38 लड़ाकू विमान, परमाणु बॉम्बर भी इसमें शामिल। चीनी घुसपैठ का ताइवान ने दिया है तगड़ा जवाब, ताइवान के एयरफोर्स ने अपने फाइटर जेट्स उड़ाए, चीनी जेट्स को मॉनिटर करने के लिए मिसाइल सिस्टम भी तैनात। उइगर मुस्लिमों को गरीब बना रहा है ड्रैगन, घर से लेकर जमीन तक पर सरकार की नजर, अब तक 628 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बेची। उइगर मुस्लिमों को हिरासत में रखकर उनकी प्रॉपर्टी को नीलाम कर रहा है चीन, जिनपिंग सरकार उइगर मुस्लिमों के घर और बाकी संपत्ति बेचने में जुटी। चीन ने शिनजियांग के लिए नए गवर्नर को नियुक्त कर दिया, मुस्लिम अल्पसंख्यक समूहों के सदस्यों को हिरासत में लेने और प्रताड़ित करने के आरोप लगे हैं। युवाओं को कंट्रोल करने और उनके सोचने के तरीके में बदलाव के लिए चीन लगातार उठा रहा है बड़े कदम, गे रिलेशनशिप और हिंसा दर्शाने वाले वीडियो पर लगाएगा बैन। परमाणु मुद्दे पर अमेरिका और उत्तर कोरिया की बातचीत में गतिरोध, उत्तर कोरिया के समर्थन में खुलकर चीन खड़ा हुआ, कहा वार्ता दोबारा शुरू करने से पहले अमेरिका उत्तर कोरिया पर लगे प्रतिबंधों में ढील दे। यूपी में बिजली मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी का आज से अभियान, कार्यकर्ता घर घर ले जाएंगे 300 यूनिट फ्री बिजली की स्कीम, बकाया माफ की केजरीवाल देंगे गारंटी। शरद पवार ने गडकरी की तारीफों के बांधे पुल, कहा नितिन गडकरी के प्रोजेक्ट्स में काम होता हुआ नजर आता है, उन्होंने दिखाया सत्ता का इस्तेमाल कैसे होता है। चिराग पासवान पशुपति पारस के बीच विवाद पर चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई, एलजेपी का चुनाव चिन्ह बांग्ला फ्रीज हो गया है, दोनों ही पार्टी सिंबल का नहीं कर सकेंगे इस्तेमाल। बिना नाम लिए तेज प्रताप का तेजस्वी पर बड़ा आरोप, कहा दिल्ली में लालू यादव को बंधक बनाया गया, कुछ लोग आरजेडी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का देख रहे हैं सपना। यूपी में AIMIM ने विधानसभा में चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है, प्रदेश की 100 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारने का फैसला। पंजाब और हरियाणा में आज से धान की खरीद, केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का ऐलान, कहा धान में नमी की वजह से रोकी गई थी खरीद। जम्मू कश्मीर में प्रबुद्ध जनों की विचार गोष्ठी में बोले संघ प्रमुख मोहन भागवत, अनुच्छेद 370 हटने के बाद व्यवस्था बदली, मानसिकता बदलने की भी जरूरत। छत्तीसगढ़ सीएम के कार्यक्रम में ड्यूटी के लिए जा रही पुलिस जवानों की बस खाई में पलटी, 12 घायल, 4 की हालत गंभीर। तालिबान ने आत्मघाती हमलावरों की बनाई एक स्पेशल बटालियन, बादशाह प्रांत में अफगानिस्तान की सेनाओं पर किए जाएंगे तैनात। आत्मघाती हमलावरों की बटालियन का तालिबान ने लश्कर मंसूरी मंसूर सेना रखा नाम, आत्मघाती हमलावर विस्फोट कमर कोट पहनेंगे और दुश्मन के पास आते ही विस्फोट कर देंगे। अफगानिस्तान में तालिबान राज की वापसी के बाद शुरू हुई एक नई जंग, लछारी कार में तालिबान और ISIS के बीच अलग अलग झड़पों में कम से कम 30 तालिबानी मारे गए। अफगानिस्तान में तालिबानी राज में ISIS और तालिबानी लड़ाकों में भीषण लड़ाई, दोनों तरफ से जमकर हो रही गोलीबारी और बमबारी, दोनों तरफ से मारे गए काफी लोग। तालिबान के सूचना और संस्कृति मंत्रालय ने मीडिया रिपोर्टिंग पर पाबंदियां लगा दी, मीडिया को इस्लाम के खिलाफ किसी भी तरह की रिपोर्टिंग पर रोक। अफगानिस्तान में जब तक तालिबानी अधिकारी नहीं देते प्रतिक्रिया, मीडिया को खबर देने पर रोक है,
तालिबान की कैद में अब तक 7,000 पत्रकार। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद आम नागरिकों की हालत खस्ता हुई। आर्थिक संकट से जूझ रहे अफगानिस्तान में 150 मीडिया हाउस बंद हुए। कलम चलाने की जगह अब मजबूर बने हैं पत्रकार। अफगान ट्रांसलेटर्स के पीछे पड़ा है तालिबान। नेदरलैंड्स के लिए काम करने वाले ट्रांसलेटर्स को फरमान सुनाया, कहा कोर्ट में हो पेश नहीं तो मिलेगी परिवार के सदस्यों को कड़ी सजा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में कश्मीरी पंडितों की आस्था पर फिर से प्रहार। भवानी माता मंदिर पर हमला, उपद्रवियों ने मूर्तियों को तोड़ा। मंदिर में तोड़फोड़ पर बोले बीजेपी के पूर्व मंत्री सुनील शर्मा, बर्दाश्त नहीं होगी यह हरकत, पुलिस जल्द से जल्द उपद्रवियों को करेगी गिरफ्तार। हिमाचल के मंदिरों शक्तिपीठों में सिर्फ हिंदू कर्मचारी होंगे तैनात, गैर हिंदुओं पर खर्च नहीं होगा चढ़ावा, मंदिरों में अब गैर हिंदुओं की कोई जगह नहीं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकवादियों ने सीआरपीएफ के बंकर पर फेंका ग्रेनेड, हमले में बाल बाल बच्चे सुरक्षा। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद जम्मू कश्मीर में बड़ी पाकिस्तानी आतंकियों की घुसपैठ, बड़ी वारदात को दे सकते हैं अंजाम। जुलाई से अब तक करीब 50 आतंकियों ने घुसपैठ। जम्मू कश्मीर के सुचेतगढ़ में शुरू की गई बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी, उद्घाटन समारोह में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा सहित केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हुए शामिल। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों की कायरता, श्रीनगर के दो इलाकों में आतंकियों ने फायरिंग की, हमले में एक नागरिक की मौत। बिहार के मुजफ्फरपुर में चक्रवात तूफान गुलाब का दिखा असर, लगातार हो रही बारिश, शहर के इलाके जलमग्न, अस्पताल में भी घुसा पानी। उत्तराखंड के चमोली में त्रिशूल पर्वत से नौसेना के 4 पर्वतारोहियों के शव बरामद, 2 अन्य की तलाश जारी, 5 लापता नौसेना पर्वतारोहियों में से 4 लेफ्टिनेंट कमांडर। नवंबर में संयुक्त राष्ट्र प्रमाणन समिति की हो सकती है बैठक, यूएन में अफगानिस्तान के प्रतिनिधित्व पर फैसला होगा, अफगानिस्तान के दूत के तौर पर सुहेल शाहिन नाम। अफगानिस्तान के जलालाबाद में आतंकी हमला, हमले में 2 तालिबानी लड़ाके समेत 4 लोगों की मौत हुई, इस्लामिक स्टेट पर हमला करने की आशंका। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा में जल्द से अपना ट्विटर अकाउंट दोबारा से बहाल करने की गुहार लगाई, जनवरी में हिंसा भड़काने के जोखिम का हवाला देते हुए अकाउंट को बंद किया गया। अपना ट्विटर अकाउंट दोबारा से बहाल करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने जज को तालिबान का तर्क दिया, कहा तालिबान को अपनी सैन्य जीत के बारे में नियमित रूप से ट्वीट करने की अनुमति। अमेरिका पहली बार अपने कर्ज पर डिफॉल्ट करने की स्थिति में पहुंचा, वित्त मंत्री जेनेट येलन की चेतावनी, कांग्रेस कर्ज की सीमा को बढ़ाने में असफल रहती है तो अमेरिकी सरकार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैसेंजर्स के जरिए जुटाए जाने वाली रकम की प्रक्रिया से हाथ धो बैठेगी। चीन में भी 8.2 लाख करोड़ डॉलर कर्ज डिफॉल्ट होने की आशंका बढ़ी है, राष्ट्रपति जिनपिंग बढ़ते कर्ज संकट को छुपाने की कोशिश में जुटे। यूपी के अलीगढ़ में नकली दवाइयां बनाने वाली अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ, छापेमारी में 1 करोड़ से ज्यादा की अवैध दवाई समेत केमिकल और सफेद पाउडर भी बरामद। बुलंदशहर के इंस्पेक्टर पर अलीगढ़ के व्यापारी ने लगाया बंधक बनाने का आरोप, गाड़ी में डालकर बेरहमी से पीटा, इंस्पेक्टर समेत 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा हुआ दर्ज। गोरखपुर में मनीष गुप्ता मामले की जांच कर रही एसआईटी टीम ने घटना को रिक्रिएट किया, होटल के लोगों से पूछताछ भी की। दिल्ली के तुगलकाबाद में 10वीं के छात्र ने की 11वीं के छात्र की हत्या, एक ही इलाके में रहते थे दोनों स्टूडेंट्स, पुलिस हिरासत में लेके कर रही है पूछताछ। देहरादून में 72 घंटे में पुलिस ने सुलझाई डबल मर्डर की मिस्ट्री, नौकरी न मिलने पर ही नौकर और महिला मालकिन की हत्या। विरोधियों को बाहर निकालने के लिए भ्रष्टाचार विरोधी अभियान का सहारा ले रहे शी जिनपिंग, अब चीन के पूर्व न्याय मंत्री फू जेंगहुआ जिनपिंग के निशाने पर आए। 100 साल बाद रूस में हुई पहली शाही शादी, सारा के वंशज मिखाइलोविच रोमानोव ने किया इटली की एक आम लड़की से विवाह। पेशेवर भिखारियों पर नकेल कसेगा पाकिस्तान, बनाया गया एंटी बैगिंग स्क्वाड, भिखारियों को गिरफ्तार कर की जा रही है कानूनी कार्रवाई, गिरोह की मदद करने वाले 8 पुलिसकर्मी बर्खास्त किए गए। अबू धाबी में क्रैश हुई एयर एम्बुलेंस, 2 पायलट समेत 4 लोगों की मौत हुई, दुर्घटना के कारणों का खुलासा नहीं। देश में कोरोना से राहत की खबर, 24 घंटे में नए संक्रमित केसेस से ज्यादा रिकवरी के केस आए, एक दिन में 23,000 से ज्यादा नए केस, 25,000 से ज्यादा लोग रिकवर, 241 की मौत। देश में वैक्सीनेशन की तेज रफ्तार, अब तक 90 करोड़ से ज्यादा लोगों को डोज लगी हैं, 25 करोड़ की दोनों डोज दी गई। दुनिया भर में 24 घंटे में 3,44,000 से ज्यादा कोरोना के नए मरीज, 5,566 लोगों की कोरोना से मौत। अमेरिका पर कोरोना का बड़ा अटैक, तीसरे सबसे बड़े स्कूल में 1101 छात्र संक्रमित हुए, 342 एडल्ट की रिपोर्ट भी पॉजिटिव।
अमेरिका में 24 घंटे में 45,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज आए सामने, 685 लोगों की मौत। ब्रिटेन में एक दिन में 30,000 से ज्यादा कोरोना मरीज आए सामने, 121 लोगों की कोरोना से मौत। रूस में एक दिन में 25,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज आए सामने, 885 लोगों की कोरोना से मौत। उत्तर प्रदेश का हाल, 5 साल कितने कमाए, यूपी किस पर राजी, क्या अखिलेश पलटेंगे बाजी, किसान का चेहरा क्या सिर्फ चुनावी मोहरा, ब्राह्मण शंख बजाएगा किसको कुर्सी दिलाएगा, ओवैसी का प्लान किसकी तरफ मुसलमान, साल 2022 के चुनाव का सबसे बड़ा मंच देखिए TV9 भारतवर्ष सत्ता सम्मेलन उत्तर प्रदेश, 4 अक्टूबर सुबह 8 बजे से लगातार सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।